ये तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है। मैंने बार बार कहा है, कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर भी कहा है, मोदी सरकार के दो भाई हैं, ईडी और सीबीआई, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ हुआ, ममता जी के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, स्टालिन साहब के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ है। तो ये बिल्कुल साफ है कि मोदी और शाह ईडी और सीबीआई का भारी दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको परेशानी में डालें और ऐसा एक माहौल पैदा करें कि देखिए सब लोग ईडी और सीबीआई में फंसे हुए हैं। ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है, रणनीति, और ये बिल्कुल राजनीति के खिलाफ है, लोकतांत्रिक राजनीति के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। पर हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और हम पीछे हटेंगे नहीं, हम डरे नहीं हैं। जो धमकाते हैं वो डरे हुए हैं, और धमकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दे रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगी और 2024 के चुनाव में वो हारेंगे। जब वो हारेंगे उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जरूर चलाया जाएगा। टाइमिंग पे सवाल खड़े नहीं होते बिहार में आपकी यात्रा पहुंचे? देखिए, जब हम मणिपुर में शुरुआत हुआ या हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, तब मुरली देवरा को, मिलिंद देवरा को वो भगा कर ले गए। जब बिहार आने वाले थे नीतीश कुमार की पलटी हुई। अभी कल परसों हम झारखंड में रहने वाले हैं, हेमंत सोरेन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो ये सब एक रणनीति है ना, भारत जोड़ो यात्रा को पटरी से निकालने के लिए, डिरेल करने के लिए। पर राहुल जी पीछे हटेंगे नहीं, भारत जोड़ो यात्रा पीछे हटेगा नहीं, हम डरे नहीं हैं। क्योंकि बार बार मैं कहूंगा, जो धमकी देते हैं वो धमकाते हैं वही डरे हुए हैं, जो प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखते हैं वही डरे हुए। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.